जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी का दक्षिण का किला ढहाने के बाद कांग्रेस और विपक्ष बहुत उत्साहित है, होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। कर्नाटक में जो परिणाम आया है वो कांग्रेस के लिए संजीवनी के समान है। लिहाजा विपक्ष के नेता अभी से बीजेपी के सफाई की बात करने लगे हैं कि 2024 की जंग होने दीजिए और का पता चल जाएगी। अखिलेश यादव हूँ, ममता बनर्जी हो, चाहे विपक्ष के बड़े से बड़े नेता, सभी बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटक का परिणाम हो या इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, उससे 2024 के आम चुनाव का कितना ताल्लुक है। विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव एकदम अलग अलग होते हैं, उसका आधार भी एकदम अलग होता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहस शुरू हो जाती है कि अब बीजेपी की सफाई की नौबत आ गई है, समय शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, तमाम दलों के लिए, इवन बीजेपी के लिए भी रणनीति बनाने का काम कर चुके हैं। 2024 में बीजेपी के रणनीतिकार वही हुआ करते थे, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, सुनिए जरा। मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। सुना आपने, कह रहे हैं कि कर्नाटक की जीत 2024 जीत की विपक्ष की गारंटी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का हवाला देते हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी जीती और 2014 में जब आम चुनाव हुआ तो बीजेपी 73-74 सीटों पर जीती थी। ऐसे ही अन्य राज्यों का वो पूरा आंकड़ा गिना जाते हैं और बता रहे हैं कि अभी से कूदने की जरूरत नहीं है, मंथन की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। 2024 की जंग बहुत भीषण होगी, पाला या मुकाबला बीजेपी से है, जिसके सबसे बड़े रणनीतिकार और चेहरा पीएम मोदी और अमित शाह हैं, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। लिहाजा
2024 आम चुनाव की तैयारी उसी लिहाज से विपक्ष को करनी चाहिए। कर्नाटक के जीत से बहुत खुश मत होइए, अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उससे भी फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन विधानसभा चुनावों से लोकसभा चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती। अभी 8 महीने हैं, न जाने तब तक राजनीति कितनी करवट लेगी। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।